स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। अंबाला में राजेश बतोरा, करनाल में योगेंद्र राणा, सिरसा में आदित्य देवीलाल को नियुक्त किया गया है। नए नामों की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर में राजेश खापड़ा को नियुक्त किया गया है, जबकि राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। और कैथल में अशोक ढांडो और जींद में राजू मोर की नियुक्ति की गई है, जबकि पानीपत में अर्चना गुप्ता और झज्जर में विक्रम कादियान संभालेंगे कमान। सोनीपत में बड़ोली विधायक मोहनलाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भिवानी की बात की जाए तो यहाँ पर शंकर धूपड़ को जिम्मेदारी दी गई है। रोहतक में अजय बंसल को नियुक्त किया गया है और नूह में नरेंद्र पटेल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। जिलाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र पटेल की नियुक्ति नूह में की गई है, जबकि रेवाड़ी की हम बात करें तो यहां पर हुकुम चंद यादव को पद दिया गया है। पलवल में चरण सिंह तेवतिया बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जिले की कमान संभालेंगे। फरीदाबाद में गोपाल शर्मा होंगे। महेंद्रगढ़ में राकेश शर्मा जो कि ये जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि पंचकुला में अजय शर्मा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। हिसार में कैप्टन भूपेंद्र सिंह को पद दिया गया है। फतेहाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर बलदेव गिरोहा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ दिन के बाद संगठन में पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। तमाम वो नाम लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन नामों पर गंभीरता से मंथन करने के बाद ये फैसला किया गया। भिवानी में शंकर धूपड़ को जिला बीजेपी अध्यक्ष चुना गया है, जबकि चरखी दादरी में सत्येंद्र परमार को जिम्मेदारी दी गई है। रोहतक में अजय बंसल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरीके से नूह में नरेंद्र पटेल बीजेपी की कमान संभालेंगे, जिलाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। और रेवाड़ी में हुकुम चंद यादव को बीजेपी ने कमान दी है जिलाध्यक्ष के तौर पर, जबकि पलवल में चरण सिंह तेवतिया जिलाध्यक्ष चुने गए हैं और फरीदाबाद में गोपाल शर्मा बीजेपी के जिलाध्यक्ष। फोन लाइन पर दीपक शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, गंभीरता से मंथन करने के बाद इन नामों पर मुहर लगी है। जिन नामों पर 22 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, उन नामों को लेकर इस वक्त कितनी सहमति जताई जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि 22 जिलों को लेकर के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के हालांकि पिछले लंबे समय से मंथन चल रहा था। ये मंथन दिल्ली में भी रहा, चंडीगढ़ में भी रहा, रोहतक में भी रहा और तमाम मंथनों के बाद, तमाम जिलों की चर्चा के बाद जब एक शॉर्टलिस्ट की गई थी, उसके बाद कल बैठकों का दौर दिल्ली में रहा। दिल्ली में अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली थी, उसके बाद प्रदेश भाजपा की बैठक हुई थी ओम प्रकाश धनखड़ और उनके साथ सुरेश भट्ट और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, फिर देर रात फिर जेपी नड्डा से संगठन की बैठक हुई और उसके बाद कल देर रात ये सूची जो है ये तैयार की गई। लिस्ट जो है 22 के सभी जिलों से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। खासकर पार्टी ने मजबूती देखी, इसके साथ साथ जातीय समीकरण तमाम पहलू यहाँ पर देखे गए हैं। कुछ जगहों पे फिर से मौका दिया गया, जहाँ हम फिर से मौके देने की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद में गोपाल शर्मा जो कि पहले भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, हालांकि उनके बाद ये जिम्मेदारी अजय गोड़ को दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब अगर बात करें तो गोपाल शर्मा को ये जिम्मेदारी फरीदाबाद से दी गई है। गुरुग्राम में गार्गी कक्कड़, हालांकि ये भाजपा की पुरानी जो है कार्यकर्ता रही है, इन्हीं को यहाँ पर अगर तवज्जो दिया गया, जिला अध्यक्ष बनाया गया, महिला है, जाति समीकरण देखे गए। तमाम जिलों में अगर बात करें तो कहना कि पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं मजबूत, उन्हें यहाँ पर मौका दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ हम सिरसा की बात कर रहे हैं, सिरसा क्योंकि इन्होंने अगर बात करें पार्टी में तमाम जिलों में ये भी देखा है कि आखिर का ऐसा कौन सा होगा जो वहाँ के अन्य नेताओं को भी कहीं ना कहीं उनका मुकाबला कर सके, तो ऐसे में सिरसा में देवीलाल परिवार के ही सदस्य को चुना गया है, चौटाला परिवार के सदस्य को चुना गया है। आदित्य चौटाला की अगर बात की जाए तो ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के चाचा ही लगते हैं, रिश्ते में ही लगते हैं। अगर बात की जाए तो ये ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे हैं आदित्य देवीलाल, जिन्हें वहां से मौका दिया गया है। तो चौटाला परिवार के व्यक्ति को ही सिरसा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से तमाम जगहों पर आंकड़े देखे गए हैं, तमाम जगहों पर समीकरण देखे गए हैं, जिस तरीके से अंबाला से राजेश बतोरा की बात कर रहे थे, करनाल से योगेंद्र राणा की बात कर रहे थे, सिरसा से आदित्य देवीलाल चौटाला, इस तमाम ऐसे नामों पर चर्चा की गई है, तमाम समीकरण देखे गए हैं। हालांकि सोनीपत की बात की जाए तो मोहनलाल बड़ोली
जबलपुर में विधायक रहे हैं, माफी चाहूंगा, मौजूदा विधायक हैं मोहनलाल बड़ोली। तो मोहनलाल बड़ोली जो कि विधायक हैं, विधायक को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, मौजूदा विधायक हैं ये सोनीपत से और इन्हीं को ही जिलाध्यक्ष बनाया गया। एक विधायक को भी ये जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि एक ही विधायक है, लेकिन इसी तरीके से बात करें तमाम जगहों पर जातीय समीकरण देख के पार्टी ने मजबूत नेता देखते हुए कि वहाँ पर कौन रहेंगे, कौन मजबूत ज्यादा बेहतर हो सकता है उन्हें, और खासकर इसमें हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी काफी नजदीक, क्योंकि हम बात करें लगभग सभी जो हैं उनसे जुड़े रहे, मुलाकात करते रहे। हम हिसार से कैप्टन भूपेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री के साथ उनके ओएसजी भी रहे हैं, उन्हें इसमें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे लोग जो कि युवा है, संघर्षशील है, अपने क्षेत्र में उन्होंने काम करा, पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है, या पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं वो जिस क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ वो कहीं ना कहीं उन नेताओं का कुछ अन्य पार्टी नेताओं का घर रहा था, तो वो कैसे कौन उनका मुकाबला कर सकता है, ये तमाम बातें देखते हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो की गई है। जी जी। और दीपक कुरुक्षेत्र में राजकुमार सैनी को जिम्मेदारी दी गई है, उनके नाम को लेकर जितनी अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें सच साबित होती दिखी। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में राजकुमार सैनी की अगर बात करें तो ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब राजकुमार सैनी का नाम आया तो लोगों को मन में कई प्रश्न है कि आखिरकार कौन है, क्योंकि पूर्व में अगर बात करें तो एक भाजपा के सांसद भी रहे थे, लेकिन ये वो नहीं है। अगर बात की जाए तो क्योंकि वो तो पार्टी छोड़ चुकी, यहाँ पर युवा चेहरा है राजकुमार सैनी जिसे चुना गया है, ये भाजपा के कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के लिए कई उन्होंने वहाँ पर बेहतर काम किया। राजकुमार सैनी एक युवा चेहरा के तौर पर अगर बात करें तो वहाँ पर रहे थे, पार्टी की लड़ाई लड़ी है राजकुमार सैनी ने, इनको यहाँ पर कुरुक्षेत्र से मौका दिया गया है। अटकलें जरूर थी कुरुक्षेत्र में भी कई नामों को लेकर के, लेकिन अब राजकुमार सैनी जो है ये पार्टी के कार्यकर्ता है, मजबूत है पार्टी के लिए, हालांकि और भी कई जिम्मेदारी इनके पास रही है संख्या में, जिसके बाद अब उन्हें जिले का जो अध्यक्ष है कुरुक्षेत्र जिले का जो है राजकुमार सैनी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। जज्जर से भी हम बात कर रहे थे कि विक्रम का अध्ययन है। वही बहुत शुक्रिया दीपक जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिलाध्यक्षों के नाम पर स्थिति साफ हो चुकी है, गहन मंथन के बाद फैसला हो चुका है और पलवल में चरण सिंह तेवतिया बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालेंगे। एसवाईएल मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दशकों से चले आ रहे इस विवाद को बातचीत के जरिए निपटाने की कोशिश हो रही है और इसी की मध्यस्थता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल मुद्दे पर बैठक हुई, इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल हुए और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मीटिंग में जुड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों को 3 सप्ताह का समय दिया था कि बातचीत करके दशकों से चल रहे विवाद को सुलझाया जाए। मध्यस्थता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था, इसी निर्देश के तहत दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई और इस वार्ता की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। से बातचीत का ये तो यही था कि एसवाईएल नहर बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। अब उसका कार्यक्रम क्या होगा, आगे की गतिविधि क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के बताएंगे और जैसा बताया दूसरे दौर की मीटिंग बहुत जल्दी हम करेंगे और मैं समझता हूँ अपने अपने पक्ष में सब बातचीत वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे और एक एमिकेबल सोल्यूशन कैसे हो सकता है इसके ऊपर विचार करने के लिए सारे रास्ते खुले हैं। फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो सब बातें जो आपको जो तय होंगी, सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, सब सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। जड़ियाँ गलत साढ़े मन के वो मैं दसिया और मैं भी दसिया कि ये पाकिस्तान की बड़ी इतने हलचल होंगी रही है और ये हालात बिगड़ भी सकते हैं, पंजाब देश के बिगड़ सकते हैं। मैंने उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके कहा कि पंजाब के कोई पानी है नहीं, हर साल घटता जा रहा है, बर्फा पिघल दिया जा रहा ने, नदियों का पानी घटता जा रहा है, धरती के थले का पानी घटता जा रहा है, तो बड़े हालात बिगड़ते जाएंगे अगले वास्ते।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर अगली बैठक होगी और जहां वार्ता को छोड़ा गया है उससे आगे के स्तर पर अगले राउंड में बातचीत की जाएगी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने की 28 तारीख को दिया था कि उच्च स्तर पर वार्ता की जानी चाहिए। मैंने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया था कि वो दिल्ली में आज आए, आकर के हम बातचीत करें। दुर्भाग्य से पंजाब में परिस्थिति ऐसी बनी कि वहाँ के डिप्टी स्पीकर, कुछ मंत्री और विधायकों के कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस हो जाने के कारण से मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया था और उन्होंने कल यहाँ आने में असमर्थता व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट विषय है इसलिए इसको मीटिंग को डेफर नहीं करें, वो जो है वर्चुअली हम सबसे जुड़ेंगे और हम यहाँ बैठ करके बात करेंगे। अभी विस्तार से हमने इस पूरे विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट है उसके आधार पर, उसको आधार मानते हुए हमने विस्तार से चर्चा की है। वहीं एसवाईएल को लेकर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ये एक पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि सभी पार्टियों का मुद्दा है, हरियाणा के किसानों का मुद्दा है, हक है, हमारे हक में फैसला हो चुका है। अब तो मुद्दा ये है कि नहर बनाए कौन सी एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहर बननी है और ये उसने कहा था कि बैठ के फैसला कर दो नहीं तो हम बताएंगे। हम तो कहते हैं कोई भी पार्टी जो हरेक हरियाणा वासी एसवाईएल बनने के में अपना योगदान देना चाहता है, किसी तरह का देना चाहता है, दे। ये एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, पूरे हरियाणा वासी के, हरियाणा के किसानों का मुद्दा है और इसमें सबका सहयोग मांगते हैं। एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर बड़े राजनीतिक स्तर पर वार्ता की जरूरत है और इसी कड़ी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा हलके के कई गांवों का दौरा किया और कृषि मंत्री ने उपचुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत का दावा किया। रूदा उपचुनाव के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी बने कृषि मंत्री जयप्रकाश ने हलके के कई गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस दौरान मंत्री ने बड़ौदा हलके में अब की बार बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा हलके में उनकी पार्टी का किसी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं है, एक तरफा बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी। अपेक्षा से ज्यादा समर्थन दिखाई देता है, लोगों के अंदर ये समझ आ गई है कि उनके एक विधायक बनाने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस की पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ौदा हलके को फर्क पड़ता है। बड़ी बड़ी सरकार में यहाँ के लोग, हर वोटर ये चाहता है कि विकास कराएं, विकास के अंदर हिस्सेदारी करें। दूसरी पार्टियों को 15-15 साल उन्होंने विधायक बना के देख लिया, उससे पहले 10-15 साल और पार्टी का बना के देखा है, आज तक भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नहीं बनाया विधायक और यही उनको इच्छा है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रूपी खीर है भाई, एक बार खा के देखो, बार बार आप खाओगे और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि यहाँ पहली बार बड़ौदा के अंदर अपना नुमाइंदा जो इनकी मर्जी का होगा, हल्के का होगा, उसको चुन के जबरदस्त बहुमत से कोई मुकाबला नहीं होगा यार। कृषि मंत्री ने कहा कि बड़ौदा हलके की जनता का समर्थन उनकी अपेक्षा से भी ज्यादा बीजेपी को मिल रहा है। वही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दीपेंद्र हुड्डा पर भी पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर राजनीति करने का काम करती है, तो कमजोर है, झूठ की राजनीति करते हैं और लोगों को बहकाने की राजनीति कही, कांग्रेस के दिन गए, अब आने वाले बहुत लंबा टाइम। अभय सिंह चौटाला ने भी आरोप लगाया कि सरपंचों को और लोगों को डरा के वोट लेने का काम किया जा रहा है। आप ये वोट किसी सरपंच से पूछो कि डराने की बात इसकी, सरपंच का डरा है, सरपंचों से हम खुद डरते हैं। जाहिर है बड़ौदा उपचुनाव के लिए कोई भी पार्टी अपनी तैयारियों में कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी कड़ी में बीजेपी जेजेपी गठबंधन इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को हर हाल में जीत दिलाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
प्रदेश की महिला पहलवान विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। विनेश फोगाट दादरी जिले के बलाली गांव से हैं। विनेश अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान व दंगल गर्ल गीता फोगाट और बबीता फोगाट की चचेरी बहन हैं। विनेश फोगाट को रियो ओलंपिक 2016 में चोट लगी थी, उसके बाद से वो काफी समय से बिस्तर पर रही, लेकिन इस बहादुर बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से अखाड़े में उतरी। विनेश फोगाट को खेल रत्न के लिए नामित किए जाने पर गांव में खुशी की लहर है। विनेश के ताऊ और उनके कोच महावीर सिंह फोगाट ने कहा कि बेटी अब दोगुने उत्साह के साथ ओलंपिक के रण में उतरेगी और निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल लेकर आएगी। जो मेरी बेटी विनेश को जो खेल रत्न की घोषणा हुई है, जो मिलना है, इसके लिए मैं भारत सरकार को और जो सिलेक्शन कमेटी जिन्हें जो सिलेक्शन किया है उनको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आज से उम्मीद करता हूं हर एक प्लेयर जो ने जो मेरी बेटी ने जो देश का नाम रोशन किया, इसी प्रकार जो ओलंपिक गेम होने हैं उसके अंदर जो बढ़ चढ़ कर जो मेडल लेकर आएँ और पूरी आज उम्मीद है आपकी बार जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। इस जो मेरी बेटी को खेल रत्न मिलना है इसके लिए सारे गाँव में रिश्तेदारी में काफ़ी मेरे पास टेलीफोन आए हैं सुबह से, तो मैंने बहुत सबको बड़ी खुशी है और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी बेटी है वो जो देश के लिए जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगी। और मैं जो है आज से 10 दिन पहले जो है एक दिन दो दिन वो रुकी थी पहले वो त्यौहार पर भी आई थी तो मैंने। और चलिए अब आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, भिवानी में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। आज 63 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग सभी को आइसोलेट करने में जुटा हुआ है। ज्यादातर मामले बैंक और कॉलेज से जुड़े हुए हैं। नागरिक अस्पताल के पास है बैंक और कॉलेज, जहां से ये ज्यादातर मामले पाए गए हैं। तो इस वक्त आपको एक बड़ी जानकारी भिवानी से दे रहे हैं, एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। नागरिक अस्पताल के पास बैंक और कॉलेज के ज्यादातर मामले हैं जो कि पॉजिटिव केसेस हैं। एक बार फिर से कोरोना बम भिवानी में फूटा है, हड़कंप की स्थिति है। आपको बता दें कि 63 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले आज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को आइसोलेट करने का काम किया जा रहा है, जबकि जानकारी ये मिल रही है कि ज्यादातर जो केसेस हैं वो बैंक और कॉलेज से जुड़े हुए हैं और नागरिक अस्पताल के पास ही बैंक और कॉलेज हैं जहां से ज्यादातर मामले मिले हैं। 63 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भिवानी से एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 63 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए गए। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि वेटोनिक। 24 घंटे में